डियर स्टूडेंट्स इन लास्ट मीडियूल वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इन क्वान्टिटेटिव रिसर्च वी अलॉन्ग विद रिसर्च क्वेश्चन मेक रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड हाईपोत्स ऑफ द स्टडी क्वालिटि रिसर्च में जो है हम सिर्फ रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं मगर क्वान्टिटेटिव रिसर्च में हम रिसर्च क्वेश्चन के साथ साथ आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस भी बनाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी की बेसिस पे हम रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और रिसर्च क्वेश्चन की बेसिस पे हम हाइपोथेसिस ऑफ़ द स्टडीज़ जो है वो डिज़ाइन करते हैं तो हम आइए अब हम देखते हैं कि रिसर्च ऑबजेक्टिवस को हम कैसे डिफाइन करते हैं थॉमस एंड हॉज डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव एज ए स्पेसिफिक रिसर्च स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग द की इशूज टू बी फोकस्ड ऑन इन आ रिसर्च प्रोजेक्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो हैं वो स्पेसिफिक रिसर्च स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के में जो इशू सोशल इशू या जो सोशल प्रॉब्लम हम स्टडी करने जा रहे हैं उससे रेलिवेंट होती हैं और ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द स्टडी आर इंटेंडेड आउटकम्स ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट हम किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के Uh, uh, को जब कंडक्ट करते हैं तो उसकी आउटकम क्या होगी ये हमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द स्टडी बता रहे होते हैं इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स द रिसर्चर आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स ऑफ़ द स्टडी एज वेल तो आप रिसर्च uh, ऑब्जेक्टिव्स जब बनाते हैं तो उसी में हम uh, जो है ये डिटरमिन कर लेते हैं कि हमारे वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी कौन से होंगे और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और किस वेरिएबल को हम मॉडरेटिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल समझ रहे हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं तो आइए अब हम देखते हैं कि वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी मेज़रेबल। हम जब रिसर्च स्टडी डिज़ाइन करते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी जब डिज़ाइन करते हैं तो हमारा बेसिक और जो मेन फोकस होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और जो वेरिएबल्स हैं वो मईरेबल होने चाहिए और इसी तरह जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द स्टडी लिखते हैं तो उसमें जो वेरिएबल्स हम डिसाइड करते हैं उनको मैरेबल होना चाहिए स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जब हम बनाते हैं तो उसमें हम uh, अपनी uh, जो है रिसर्च प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो डिटर्मिन कर लेते हैं और इसको हम आगे चल देखेंगे अटेनेबल रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो अटेनेबल होते हैं यानी हम उनके उन उन ऑबजेक्टिवस की बेसिस पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं रियलिस्टिक रिसर्च ऑब्जेक्टिवस जो है वो रियलिस्टिक होते हैं यानी कि हम जब रिसर्च ऑबजेक्टिवस बना रहे होते हैं तो हम उसमें कुछ ऐसी थोरेटिकल या ऐसी एम्बिशियस स्टेटमेंट्स नहीं डेवलप करते कि जो कि मयरेबल uh, ना हो, अटेनेबल ना हो और ना ही वो स्पेसिफिक हो। तो जब उनकी ये तीन करेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी तो वो फिर रियलिस्टिक भी नहीं होंगे एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी टाइम बाउंड हम uh, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये डिसाइड करते हैं कि हम अपना जो है डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे और उसका जो है टेम्पोरल कंस्ट्रेंट क्या होगा तो इसी बेसिस पे हम ये भी कहते हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो टाइम बाउंड होता है अब जब हम बात कर रहे हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जब हम लिखते हैं तो उसमें जो है वो उसको डिफरेंट हम लेवल्स पे देखते हैं और इसको समाव हम ब्लूम्स टिक्सोनमी के साथ भी लिंक करते हैं अगर आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लोर है तो इसका मतलब ये है कि तो यू आर गोइंग टू तो डिवेलप एन इनिशियल रफ डिस्क्रिप्शन और पॉसिबली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम सोशल फिनमिना जब आपकी क्वान्टिटेटिव uh, रिसर्च में आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लोर के साथ शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है यू आर गोइंग टू स्टडी समथिंग न्यू यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व समथिंग न्यू आप किसी ऐसे सोशल इशू सोशल प्रॉब्लम या सोशल फिनमिना के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि अभी नया है आपकी कम्युनिटी uh, में आपकी सोसाइटी में द सेकेंड वे ऑफ राइटिंग ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्क्राइब वी राइट रिसर्च ऑब्जेक्टिव दिस टाइप ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव वेन वी हैव टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द प्रिसाइज मयरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ सम पॉपुलेशन ग्रुप और फिनिना इंक्लूडिंग एस्टेबलिशिंग रेगुलरिटीज़ ये जो है आप ये कह सकते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम किसी भी सोशल प्रॉब्लम या सोशल इशू के जो को स्टडी करते हुए उसकी जो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं और उससे जो रेलेवेंट प्रोपोजिशंस हैं उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं द थर्ड लेवल ऑफ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लेन and we uh, use this re research objectives when we have to establish uh, the elements factors or mechanism that are responsible for producing the state or regularities of social phenomena and the, similarly we use research objective with the phrase of to understand when we have to establish reasons for particular social actions and the occurrence of an event or the course of a social episode these reasons being derived from the ones given by social actors yani ki kisi bhi social uh, jo hai problem ke piche kya behind the scene reasons hain factors kaun se contributing hain जैसे कि अगर आज हम बात करें मैं अगर इसको आपको example के साथ समझाना चाहूँ तो जैसे आज हम बात करते हैं unemployment की या poverty की तो पावर्टी की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं एक रीज़न तो ये है कि जो उसकी इकोनॉमिक डायमेंशन है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम है इकोनॉमिक ग्रोथ कम है दूसरी तरफ उसकी सोशल डायमेंशन है सोशल डायमेंशन क्या है कि जैसे ओवर पॉपुलेशन है हमारे यहाँ जो आबादी का जो तनासब बढ़ने का है वो हमारे रिसोर्स से बहुत ज़्यादा है इसी तरह हम अगर कल्चरल डायमेंशन देखें तो हमारे यहाँ जो पावर्टी की एक वजह यह भी है कि हम जो है अपने जो सिस्टम में है वो स्किल्स इम्पार्ट नहीं करते हम जो है हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो कुछ इस तरह का है जिसमें वो हमारी ओरिएंटेशन डिग्री ओरिएंटेड होती है ना कि स्किल्स ओरिएंटेड तो जब तक आप टेक्निकल और वोकेशनल स्किल्स नहीं देंगे लोगों को तो आप उन्हें हुनरमंद अफराद कैसे बनाएंगे द नेक्स्ट वे ऑफ़ राइटिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोडिक्ट एंड वी यूज दिस रिसर्च ऑब्जेक्टिव वी हैव टू टेस्ट एनी थियोरेटिकल ऑब्जम्पन्स और वी हैव टू वैलिडेट एनी एग्जिस्टिंग थोरेटिकल पॉस्टुलेट्स जैसे कि अगर कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती है और उससे रेलिवेंट आपके जो हाइपॉसिस हैं और जो पॉस्टुलेट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तो आप उनको जब टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम जो फ्रेज़ यूज़ करते हैं वो टू प्रोडिक्ट है एंड वी यूज वेन वी डू द अप्लाइड रिसर्च वी यूज़ द रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ़ टू चेंज जब हम कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं और उस इंटरवेंशन में हम बिहेवियल चेंज देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे वो टू चेंज के साथ शुरू होगा टू अवेल्यूएट जब आप किसी प्रोग्राम की अफेक्टिवनेस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाएंगे वो टू एवेलुएट के फ्रेज के साथ शुरू होगा जैसे कि हमारे मुल्क में बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इन, आ, सेहत कार्ड है इसी तरह यूथ लोन प्रोग्राम है यूथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इससे पहले लैपटॉप स्कीम थी तो अगर हमने उनकी उन स्कीम्स की अफेक्टिवनेस देखनी है तो उसके लिए जो आ, जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनेगा वो टू एवेलुएट होगा टू असेस uh, ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम तब बनाते हैं जब हमने uh, किसी भी चीज़ की इम्पैक्ट uh, असेसमेंट करनी हो कैसी बड़े जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की इम्पैक्ट असेसमेंट करनी हो ऑन कम्युनिटी मेंबर्स तो हम इसके लिए जो यूज़ uh, करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव उसको हम टू असेस कहते हैं